हेलो बच्चों, अभी तक हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज का विषय है सर्वनाम। तो आइए पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। नेहा आलसी है। नेहा अपना काम समय पर नहीं करती है। नेहा ने कहा, नेहा को आराम करना अच्छा लगता है। सभी अध्यापक नेहा पर गुस्सा करते हैं। तो देखा आपने, इस पैराग्राफ में नेहा शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, इसलिए भाषा में रुकावट आ रही है। वाक्य भी हमें अटपटे से लग रहे हैं। एक शब्द का बार बार प्रयोग होने से भाषा की सुंदरता और सरलता भी खो गई है। तो आइए हम इस पैराग्राफ को दूसरी तरह से पढ़ते हैं। नेहा आलसी है। वह अपना काम समय पर नहीं करती है। उसने कहा, उसे आराम करना अच्छा लगता है। सभी अध्यापक उस पर गुस्सा करते हैं। तो जो हमने पहले नेहा शब्द का प्रयोग बार बार किया था, अब हमने नेहा के स्थान पर वह, उसने, उसे, उस आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार अब वाक्य सरल लग रहे हैं और आपको पता चला होगा कि आपको अब कुछ भी इसमें अटपटा वाक्य नहीं लग रहा। तो यही जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, उस, यह सर्वनाम शब्द हैं। तो आइए अब हम सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, मैं, मेरा, हम, हमारा, उसका आदि।